नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह जीके ने आज पत्रकारों को बताया कि जैसे देश में दो कानून नहीं चल सकते, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती पर संज्ञान लेते हुए फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी, उसी प्रकार 1984 सिख विरोधी दंगों पर बनी फिल्म पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आइए सुनाते हैं मंजीत सिंह जीके को। एक मूवी पद्मावती जिसनु बाद च सेंसर बोर्ड ने उदा नाम पद्मावत कीता, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि ये मूवी जेड़ी है इसनु एग्जिबिट करन दी असी परमिशन दिन्ने आ। फ्रीडम जेड़ी है वह होनी चाहिदी है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। मैं समझदा वा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला, असी यदी सराहना भी करते हैं। लेकिन मैं एक गल कहनी चाहवागा कि कई पिक्चर ऐसिया सीगियां जिवें साडा हक, कौम दे हीरे या ब्लडी स्ट्रीट, ऐसिया इस होर भी पिक्चर सीगियां जिन्हां नूं परमिशन नहीं दित्ती गई, इस करके कि शायद इहदे नाल कोई हालात ना बिगड़ जाण। मैं पूछना चाहना वा, राणी पद्मावती तो कई सैकड़े साल पुराना इतिहास है, लेकिन ये जिहड़ा इतिहास है 1984 नाल रिलेटिड, वह भावें दरबार साहब एक्शन होवे, वह भावें जवान मुंडियां नूं पुलिस मुकाबलियां च मार दिता गया होवे, गलत बंदियां ते केस पा के अज 25-25 साल तो वह केस भुगतते पए ने, और वह जिहड़े केस भुगतते पए ने हालांकि भी जेलां च बैठे ने, लेकिन उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं, जेलां चों कढ़न नूं तैयार नहीं ने। मैं समझदा कि यह जिहड़ा दुखांत है असी हड अपने हड बीती अपने उत्ते हंडाया, ये इतिहास भी तो जिहड़ा इस नूं फ्रीडम होना चाहिए लोगों के विच जानदा कि साडे नाल की होया सीगा। साडे कातल सड़कां ते तुरे फिरदे पए ने, सज्जन टाइटलर अरगे, भगत और धर्मदास शास्त्री अरगे अपनी नैचुरल डैथ जा चुके ने। सो मैं समझदा वा कि मैं बेनती करांगा इन्हां दे प्रोड्यूसर ने, क्योंकि असी कोर्ट च डायरैक्ट नहीं जा सकते, अगर वो सानू अप्रोच करन तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जरूर सुप्रीम कोर्ट दे विच इस इशू नूं लैके जाएगी। यह थी दिल्ली से अमित महाजन की रिपोर्ट। आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया।